नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 14 जुलाई से पवित्र सावन मास का प्रारंभ हो रहा है। 26 जुलाई को श्रवण शिवरात्रि का विशेष अवसर होगा। श्रवण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। इसमें सोमवार पूजन का भी विशेष महत्व है। 31 जुलाई से श्रवण पूर्णिमा तक अयोध्या का सावन मेला भी शुरू होगा। नागपंचमी और रक्षाबंधन का भी पर्व है। इससे पूर्व बकरीद का पर्व है। इसी बीच मुहर्रम का भी महीना शुरू होगा। स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था की दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हमें बकरीद, श्रवण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पूर्वों व त्योहारों का दृष्टिगत सतर्क सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, मंडल युक्तों, पुलिस कमिश्नरों के साथ बकरीद, नागपंचमी, रक्षाबंधन त्योहारों सहित श्रवण मास, कांवड़ यात्रा आदि के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संबंधित में समीक्षा की। इस मौके पर CM ने अधिकारियों से बकरीद, श्रवण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पूर्वों व त्योहारों के दृष्टिगत त्योहारों, कार्य योजना व व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विगत दिनों रमजान माह में अलविदा की नमाज और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों से यातायात प्रभावित नहीं हुआ। कई जनपदों में स्थान का अभाव होने पर बेहतर समन्वय के साथ शिफ्टवार नमाज अदा हुई। इस प्रयास की पूरी देश में सराहना हुई है। इस बार बकरीद के मौके पर हमें सही व्यवस्था लागू करनी होगी। थाना, सर्कल, जिला, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठानों के साथ संवाद बनाए, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी किए। पीस कमेटी की बैठक कर लें, मीडिया का सहयोग लें ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। CM ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हानन पहले से ही होना चाहिए। विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तय स्थान के अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। कुर्बानी के उपरांत अतिरिक्त के व्यवस्थित निस्तारण की कार्य योजना हो। ऐसा ना हो कि यह पृष्ठ बीमारी का कारण बने। उन्होंने कहा कि हर पर्व शांति और सौदार्य के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अजारक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।